Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Inayat Afridi, and welcome back to my YouTube channel, Inayat Khan Afridi. इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ एक कन्विंसिंग रिसर्च प्रपोज़ल को किस तरह डिवेलप करना है वो मैंने डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ इनके जो स्टेप्स थे वो मैंने डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर किए थे. आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ रिसर्च मेथडोलॉजी से सेकेंड इम्पोर्टेंट लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ द रिसर्च प्रोसेस जो हमारे पास 8-step मॉडल होता है. सो हाउ टू गेट थ्रू द रिसर्च प्रोसेस अलॉन्ग विद 8 steps. सो जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीन. रिसर्च मेथडोलॉजी और मेथड्स को कई तरीक़ों से मुख्तलिफ एकेडमिक डिसिप्लिन के मुख्तलिफ लेवल्स पर पढ़ाया जाता है. ब्रॉडली स्पीकिंग, ये रिसर्च का अमल यानी रिसर्च प्रोसेस एक सफ़र की तरह है. सपोज़ अगर कोई शख्स ड्राइव के लिए बाहर निकलता है तो इसे स्टार्ट लेने से अवल ये ज़रूर डिसाइड करना है कि उसे कहाँ जाना है और कौन सा रूट या रास्ता चूज़ करना है. इस कॉन्टेक्स्ट में एक रिसर्च को अंडरटेक करने के लिए 2 बड़े और अहम डिसीशन लिए जाते हैं, जिसमें पहला यह है कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं. इसमें दूसरा ये हो गया कि इन सवालात के आंसर्स यानी जवाबात को आपने किस तरह फाइंड आउट करना है. ज़रूरी और अहम बात यह है कि वो रास्ता या मेथड जिसके ज़रिए हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस के लिए जवाबात तलाश करते हैं उसे रिसर्च मेथडोलॉजी कहा जाता है. देखिए, एक रिसर्च प्रोसेस बुनियादी तौर पर 3 फेजेस से गुज़रता है, जो कि मज़ीद सब फेजेस या स्टेप्स में कैटेगराइज हो चुके हैं. ये 3 फेजेस ये हैं. नंबर 1, डिसाइडिंग व्हाट टू रिसर्च. यहाँ पर हमने ये फैसला करना है कि हमने किस चीज़ पर रिसर्च करनी है. फेज़ नंबर 2, प्लानिंग हाउ टू कंडक्ट द स्टडी. इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक प्लान को ले आउट करना है कि स्टडी को किस तरह कंडक्ट करना है. फेज़ नंबर 3, कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी. इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च स्टडी को किस तरह कंडक्ट किया जाता है. अच्छा, इसमें पहला फेज़ डिसाइडिंग व्हाट टू रिसर्च, बुनियादी तौर पर एक रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह फॉर्मूलेट करना है इस पर फोकस करता है. और फेज़ नंबर 1 हैज़ ओनली 1 step, एंड दैट इज़ फॉर्मूलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. ये याद रखे कि रिसर्च प्रोसेस में सबसे अव्वल और ज़रूरी स्टेप हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मूलेट करना है. और इसमें दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि ये हमारे डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करता है, जो कि फर्दर आपको अपने सुपरवाइज़र और आपके टारगेट रीडर्स के बारे में बताता है. अब सवाल पैदा होता है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फॉर्मूलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, एंड दैट इज़ कि इसका बुनियादी फंक्शन ये है कि हमने ये डिसाइड करना है कि हमने किस चीज़ को फाइंड करना है. सिंपली टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट. अच्छा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर एक रिसर्चर ने रिसर्च प्रॉब्लम को एवेल्यूएट करना है तो इसने 3 ज़रूरी एरियाज या डोमेन्स को कंसिडर करना है, और वो एरियाज और डोमेन्स ये है. नंबर 1, फाइनेंशियल रिसोर्सेज. नंबर 2, द टाइम अवेलेबिलिटी. नंबर 3, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ योर सुपरवाइज़र इन द रेलिवेंट फील्ड. अब हम फेज़ नंबर 2, जो कि मज़ीद 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, तो फेज़ नंबर 2 हमारे पास हो गया प्लानिंग हाउ टू कंडक्ट द स्टडी. और इसमें स्टेप 2 हमारे पास हो गया कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन का बुनियादी काम यह है कि रिसर्च क्वेश्चंस को हमने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है. सिंपली मीन्स टू डिसाइड, डिस्क्राइब, जस्टिफाई एंड एलिबरेट हाउ यू सीक आंसर्स टू योर रिसर्च क्वेश्चंस. यहाँ पर यह बात बहुत ज़रूरी है कि हमने रिसर्च डिज़ाइंस के पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना है.
रिसर्च डिज़ाइन के पांच इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं. नंबर वन द स्टडी डिज़ाइन, नंबर टू द मेजरमेंट प्रोसीजर, नंबर थ्री द सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, नंबर फोर द फ्रेम ऑफ एनालिसिस एंड द फिफ्थ वन टाइम फ्रेम. देखिए मैं आपको एक बिलियन डॉलर पॉइंट बता रहा हूँ और वो ये है, किसी रिसर्च डिज़ाइन को सेलेक्ट करने से पहले ये इंश्योर करना है दैट इट मस्ट हैव दीज थ्री क्वालिटीज. ये रिसर्च डिज़ाइन हमारे पास वैलिड होगा, नंबर टू ये वर्केबल होगा, और थर्ड हमारे पास ये है कि ये मैनेजेबल होगा, इसको आप इजीली मैनेज कर सकेंगे. अब हम स्टेप नंबर थ्री को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन. देखिए कोई भी चीज़ जिसके ज़रिए एक रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए इंफॉर्मेशन मालूमात इकट्ठा करता है, इसको हम रिसर्च टूल या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. यहाँ पर मैं आपको ची रिसर्च टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स आपको लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, और पहला इसमें हो गया इंटरव्यू स्केड्यूल्स, नंबर टू क्वेश्चनेयर्स, नंबर थ्री फील्ड डायरीज, नंबर फोर नोट्स ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन, नंबर फिफ्थ सेकेंडरी सोर्सेज, एंड सिक्स इसमें हो गया जो हमारे पास लास्ट वन है एंड दैट इज़ द इंटरव्यू गाइड्स. अच्छा ये याद रखें कि किसी भी स्टडी को कैरी आउट करने का सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप हमारे पास रिसर्च टूल को कंस्ट्रक्ट करना है. अब हम स्टेप नंबर फोर की तरफ मूव करते हैं और वो है सिलेक्टिंग अ सैम्पल. किसी भी सैम्पलिंग डिज़ाइन का बेसिक मकसद ये होता है कि रिसर्च के लिए गए सैम्पल से हासिल होने वाली वैल्यूज़ और वो जो पॉपुलेशन स्टडी में प्रवेलेंट है इनके दरमियान गैप को मिनिमाइज करना है. इसके अलावा किसी सैम्पल को सेलेक्ट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि सैम्पलिंग के दो बुनियादी एम्स को आपने अचीव करना है. वो आपके पास है नंबर वन द अवॉइडेंस ऑफ बायस इन अ सैम्पल सिलेक्शन, और सेकंड इसमें है अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम प्रोसेशंस फॉर अ गिवन आउटले ऑफ रिसोर्सेज. अब आपको मैं ना एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ. देखिए द टाइप ऑफ सैम्पलिंग स्ट्रेटजी यूज विल इन्फ्लुएंस योर एबिलिटी टू मेक जनरलाइजेशन फ्रॉम द सैम्पल फाइंडिंग्स रिगार्डिंग द स्टडी पॉपुलेशन एंड द टाइप ऑफ स्टेटिस्टिकल टेस्ट यू कैन अप्लाई टू द डेटा. अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर फाइव और वो है राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल. इट टेल्स द रीडर अबाउट योर रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाउ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्टिगेट इट. एक रिसर्च प्रपोजल हमें हमारे सुपरवाइजर और रिव्यूअर्स को हमारे स्टडी के बारे में मालूमात बताता है, और यहाँ पर हमने तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करना है. नंबर वन व्हाट यू आर प्रपोजिंग टू डू, नंबर टू हाउ यू प्लान टू प्रोसीड, नंबर थ्री व्हाई यू सेलेक्टेड द प्रपोज्ड स्ट्रेटजी. और इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है that research proposal should contain the following information about your study. Number one, a statement of its objectives. Number two, a list of hypotheses if you are testing any. Number three, the study design you are proposing to use. Number four, the setting for the study. Number five, the research instrument or instruments you are planning to use. Next, the sample size and sampling design. Next, the data processing procedures. Next, an outline of the proposed chapters for the report. The studies, problems and limitation. And the last one, the proposed time frame. Research process ka last phase hamare paas hai, conducting a research study. To isme step number 6 hamare paas ho gaya. कलेक्टिंग डेटा. अब डेटा कलेक्शन में हमारे पास इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स, फील्ड विजिट, कंडक्ट नॉमिनल फोकस ग्रुप डिस्कशन,
और विजुअल इंस्पेक्शंस आते हैं। स्टेप नंबर 7 में प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। द वे वी एनालाइज द इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड लार्जली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। नंबर 1, टाइप ऑन इंफॉर्मेशन, बी दैट अगर आपके पास वो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास है, वे यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट योर फाइंडिंग्स टू रीडर्स। तो हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया एंड दैट इज स्टेप नंबर 8, और वो है राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। तो एक रिसर्च रिपोर्ट को लिखना ये रिसर्च प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। इट टेल्स द वर्ल्ड व्हाट यू हैव डन, नंबर 2 व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड, एंड द थर्ड वन व्हाट कंक्लूजन यू हैव ड्रॉन फ्रॉम योर फाइंडिंग्स। I hope the research process along with 8 step as completely understood. Stay with Inayat Afridi and do subscribe my YouTube channel Inayat Khan Afridi. Stay blessed and stay happy. Thanks for watching.